अभी जो बेटी प्रियंका चौधरी ने शतवान सावित्री की रागिणी गाई थी, क्योंकि इस मंच की दो विशेषताएं हैं, एक तो आपको ऊपरा तली की बात सुनानी है, दूसरा मोर म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर की ये आदेश मानिए या निर्देश मानिए या अनुरोध मानिए कि जो आपने आज तक न गाई हो वो रागिणी जरूर रखना। तो प्रेमियों ये जो दो, एक तो नंबर है ही, अगर अच्छी लगे तो दूसरी भी बता देना, दूसरी भी गा देंगे ना तो अपना बैठ जाएंगे। जो शतवान सावित्री की रागिणी हुई थी अभी प्रियंका चौधरी ने आपके बीच में रखी थी, किस्से में किस्सा आगे बढ़ता है तो जी अच्छा लगता है प्रधान जी, थोड़ा सा दादा लक्ष्मी की बात है दोनों मिलकर के बढ़ा दें, ताली बजा के एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। और मौका वो होगा, थोड़ा समझना, जितना भी हुनर अपने अंदर है उस प्रकार से रखने का प्रयत्न करेंगे जो वाकई ओरिजिनल सत्यवान सावित्री का किस्सा है। प्रेमियों आखिरकार सावित्री नहीं मानी और सत्यवान के साथ में शादी कर ली। शादी के लिए जब नारद जी ने बताया, अकरी लाडो जिसके साथ में तू शादी करे है ना इसकी आयु एक बरस है, न्यू बोली रे महाराज एक बरस तक घटके अगर एक दिन रह जाएगी तब भी मेरा पति सत्यवान होगा। न्यू बोली ठीक है, शादी कर ली। समझने की बात यह है, ज्ञान की बात यह है साथियों, जिस लड़की को यह बेरा हो अगर तेरा पति एक साल बाद मर जाएगा, आज के जमाने में ढूंढने से नहीं मिलेगी इसी छोरी। अर यूं कह देगी इब तो पंडित जी भी यूं कह है ले ले लाडो फेरे या मर गया तो और बतेरे, इब तो मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन ये पौराणिक कथा है, अगर वैदिक विद्वान यहां बैठे हो तो मैं पौराणिक कथा को इस प्रकार से जोड़ता हूं। ऐसा बताया है विद्वानों ने, दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र, लगातार सुबह शाम एक साल तक गायत्री मंत्र का जप किया और जब वो मनहूस दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की जीवन का आखिरी दिन था, अपने पति के साथ लकड़ी काटने के लिए जब गई तो दादा लक्ष्मी की रागिणी है, ऊपरा तली की बात है, एक कली मैं कहूंगा एक कली मनोज चौधरी कहेगी। प्रेमियों पेड़ के ऊपर चढ़ के सत्यवान लकड़ी काट रहा था, सावित्री को तो बेरा है कि आज तेरा पति बचेगा नहीं, लेकिन जब सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा और ये महसूस होने लगा कि लकड़ी कोई नहीं काटी जा भाई, दिल उड़ने लगा, आज अटैक कहते हैं उस चीज को, जब जी घबराने लगा, किस प्रकार से दादा ने के लिखा है प्रधान जी एक एक शब्द सुनियो जरा ध्यान से, के बताया आइएगा। प्रिय सावित्री कहिए पियाजी। सावित्री ऐसा लगता है कि मेरा और तेरा जो बंधन था आज वो टूटने वाला है। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो? और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं सावित्री, मेरे हाथ और पैर दोनों काम नहीं करते, यहां तक आंखों के सामने कोई काली काली भयंकर मूर्ति डरावने सपने दिखा रही है। नहीं। ऐसा लगता है हे ब्याही अक आज मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले, तेरा ये पति बचने वाला नहीं है, अगर कोई यतन बना सके तो बना ले। हे स्वामी जब तक मैं जिंदा हूं आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज आपने और दिन की अपेक्षा लकड़ियां कुछ ज्यादा काट ली हैं, इसीलिए आपको कुछ थकान हो रही है। Thank you.
धीमा करके ना करके का पता ना के कर दे इसी कसी मुस्क जा करके कसी मुस्क जा करके पसीना प्राण सूख के नस बिधगी आकर के नस बिधगी आकर के यार कई बाबो चलिया पकड़ के यार कई बाबो चलिया पकड़ के अरे से तू ना पाटे से सावित्री कहीं इस दिल की धड़कन को बहुत रोकिया लेकिन रुकती कोई ना। जिस प्रकार से मकड़ी जाल बुनिया करती है उसी प्रकार से ये दर्द ऊपर से नीचे तक मेरी काया में फैल चुका है। हे ईश्वर, आज कहीं नारद वाली बात कहीं सत्य तो नहीं होने जा रही है। महाराज आप चिंता मत करो, मैं आपको समझाती हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो और सुनिए मेरी बात। अरे बड़े भाई राजेंद्र छिल्लर जी, पूर्व प्रधान हरियाणा जन विकास मंच, और भाई अशोक मलिक जी का बार बार धन्यवाद। कई सौ रुपए पहले दिए हैं और 100 रुपए से फिर मान सम्मान करते हैं। आदरणीय बड़े भाई श्री प्रकाश सोलंकी जी और उनकी पूरी टीम की तरफ से भी सम्मान किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। झगड़े गंदे ने गंदे ने हे परमेश्वर सबर दिए मेरे सास ससुर अंधे ने सास ससुर अंधे मेरे बिना ज्ञान कोने काट सके से जन्म मरण के फंदे ने मेरा फंदे ने पति ने काम करया से वचना के बंधे ने वचना के बंधे ने हे रे छोड़ पिया इस बंधे ने रे छोड़ पिया इस बंधे ने लकड़ी ने काटे से हो मर काया में दर्द घना मेरे हृदय ने चाटे से लेकिन तुम जो कह रही हो सावित्री, मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, वो दोनों नेत्रहीन हैं, उनको दिखाई नहीं देता। हे ब्याही, पतव्रता के बहाने को लज्जित मत कर देना, अपने धर्म पे अडिग रहना, क्योंकि चरित्रवान व्यक्तियों की दुनिया में पूजा हुआ करती है और जो चरित्रहीन हुआ करते हैं उनके कोई इतिहास नहीं बनाया करते। हे स्वामी, ये मेरी अंतिम इच्छा है। हे स्वामी, ऐसी हल्की बातें करने से पहले आपकी धर्म पत्नी आपसे ये निवेदन करती है क्या? कि आप जो लकड़ियां काट रहे हो सबसे पहले वो लकड़ी काटना बंद कर दीजिए। मुझे लगता है आपके अंदर थकान बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए आप घबराए हुए हो। अच्छा, हाँ ये सावित्री बे तेरे कहता सावित्री मैं तेरे कहता अरे फरसा दूर धरूंगा मैं धरूंगा सिर में कोई भाले से मारे
चक्कर चढ़ा गिरूंगा, चक्कर चढ़ा गिरूंगा। दर्द घना में ओ मेरी काया में दर्द घना में उसका दंड भरूंगा, उसका दंड भरूंगा। अरे लकड़ी काटनी रे बंद करूंगा, ये लकड़ी काटनी बंद करूंगा, लकड़ी काटनी रे बंद करूंगा। अरे जो तू रोग करना से चाटे से गिरते ने चाटे सके हम प्यार का सौदा। सावित्री कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। श्री राजेंद्र छिल्लर जी पूर्व प्रधान हरियाणा जन विकास मंच और भाई अशोक मलिक जी एक बार फिर से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। और बहुत ही आदरणीय पितातुल चौधरी ईश्वर सिंह मान साहब, उनकी तरफ से भी पहले भी मुझे 500 रुपए दिए गए थे और फिर से 500 रुपए दिए गए, और जिन साथियों का नाम नहीं बोल पाया उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हो जा, अरे तो हो जा। शुद्ध आत्मा रहे ऐसा को सुकर्म का फल हो जा, सुकर्म का फल हो जा। अरे ऐब स्वभाव घमंड मनुष्य का, ऐब स्वभाव घमंड मनुष्य का, हीना बन कर खो जा। सिर धरो पति में हवा करूं तू सो जा, मैं हवा करूं तू सो जा।